सो हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ट्रांजिशन की जो कि हमारी लाइफ में आता है आफ्टर स्कूल लाइफ, दैट इज कॉलेज लाइफ। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि अगर मैंने अपने फर्स्ट ईयर में फॉलो किए होते सो दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट ईयर फॉर मी एंड इट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग एज अ फ्रेशर्स इन द कॉलेज दिस ईयर। सो यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर वन, डोंट जस्ट रन आफ्टर द ग्रेड्स। कॉलेज में ग्रेड्स के पीछे मत भागो। सो यार, होता यह है कि जब हम नए नए कॉलेज में ज्वाइन होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हम स्कूल में 95% 98% लाते थे तो हम कॉलेज में भी यही करेंगे, हम यहाँ पर भी 95% 98% लाएंगे, लेकिन दैट इज नॉट द केस। यार, कॉलेज का मतलब ये नहीं है, इट इज द टाइम टू एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड योर इंटरेस्ट, नो योर पॉजिटिव साइड्स एंड नेगेटिव साइड्स एंड वर्क ऑन इट। यहाँ पर मार्क्स मैटर करते हैं बट इट इज नॉट द ओनली थिंग, सो डोंट रन आफ्टर मार्क्स। पॉइंट नंबर टू, एक्सप्लोर थिंग्स एज मच एज यू कैन। देखो यार, अब आप जब कॉलेज जाओगे देन यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स एंड यू विल ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटीज टू ज्वाइन सोसाइटीज एंड क्लब्स, एंड इन फर्स्ट ईयर यार आप पर ज्यादा एकेडेमिक बर्डन भी नहीं होता, सो यू कैन एक्सप्लोर एवरीथिंग एंड फाइंड द राइट थिंग फॉर यू। सारी सोसाइटीज ज्वाइन करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अभी यार कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज होती है, जैसे कि डांसिंग सोसाइटी हो गया, सिंगिंग सोसाइटी हो गया, और बहुत सारे क्लब्स भी होते हैं जैसे कि कोडिंग क्लब हो गया, कल्चरल क्लब हो गया, सो यू कैन ज्वाइन दैट एंड फाइंड द राइट इंटरेस्ट फॉर यू। एंड डोंट जस्ट बी एन ऑडियंस इन फेस्ट, डू टेक पार्ट इन इट एंड यू विल गेट अ लॉट टू लर्न, ऑल्सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड ऑल्सो विथ अ गुड अमाउंट ऑफ मेमोरीज for which I have regret today. Point number 3, interact with a lot of people. So yaar, college mein aake don't be an introvert like me. Yes, I was an introvert in my first year and I had not interacted with even my classmates. And as it was COVID time and the situation was worst, all of the things were going online, so I became more and more introvert. बट ऑफलाइन स्टार्ट होने के बाद आई हैव इंटरेक्टेड विथ मेनी पीपल एंड आई गॉट टू लर्न मोर एंड मोर। एंड द मेन थिंग इज इंटरेक्ट विथ योर सीनियर्स, क्योंकि वो जो चीज़ें आपको बताए गए दैट विल मेक योर कॉलेज लाइफ मोर स्मूदर देन इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ स्टडीज एंड एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 4, डोंट बाई न्यू बुक्स। सो यार, कॉलेज में आके आपको स्कूल की तरह नई बुक्स नहीं ले लेनी, क्योंकि इट इज जस्ट 6 month सेमिस्टर, उसके बाद आपकी सारे सब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे, सो दे विल बी ऑफ नो यूज। इंस्टेड यू कैन बाय सेकेंड हैंड बुक्स एंड और एल्स बेटर, यू कैन मेक क्लास नोट्स एंड इट विल हेल्प अ लॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। पॉइंट नंबर 5, चूज फ्रेंड्स वाइसली। सो यार, आप जब कॉलेज जाएंगे तब आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे एंड यही फ्रेंड्स हैं जो कि आपके साथ रहेंगे थ्रू आउट द कॉलेज जर्नी, एंड यही फ्रेंड्स हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगे। सो अपने जैसे ही फ्रेंड्स आप बनाए एंड हु आर हैविंग द सेम गोल्स एज दैट ऑफ यू, क्योंकि यार ऐसे फ्रेंड्स बनाने से आपको अपने गोल को चेस करने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो चूज फ्रेंड्स वाइसली। सो यार, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स ग्रो टुगेदर।